हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग समिट का आयोजन किया गया। इसमें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने शिरकत करते हुए साल 2022 तक सभी को घर देने की प्रतिबद्धता को दोहराया है, जबकि समय समय पर रियल एस्टेट पॉलिसी में बदलाव लाने की बात कही। रियल एस्टेट में चल रही भारी गिरावट को किस तरह से सुधार की ओर ले जाया जाए, इसके लिए गुरुग्राम में राइजिंग हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग समिट आयोजित किया गया। समिट में रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियों ने शिरकत की तो प्रदेश के सीएम मनोहर लाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने रियल एस्टेट पॉलिसी में बदलाव करते रहने की बात कही, जबकि अगले सप्ताह से 60 दिन के लिए विंडो खोलने की घोषणा की। इतना ही नहीं, टीओडी पॉलिसी की समय सीमा भी 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। सीएम ने 628 कॉलोनियों को रेगुलराइज करने की बात करते हुए बेहतर विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। केएमपी के आसपास पंच ग्राम बसाने पर हामी भरी तो सरकार के 4 साल के विकास पर भी बयान दिया। सीएम ने साफ किया कि 2022 तक सभी को छत देने के सपने को पूरा किया जाएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से हरियाणा की जनता को हरियाणा सरकार के 4 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं और आज हमारा 5वां वर्ष शुरू हो गया, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज नेडको की ओर से अफोर्डेबल हाउसिंग को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए और कैसे प्रधानमंत्री जी का हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक सबको कैसे आवास मिले, इस पर चर्चा की गई और इस चर्चा में हम लोग आश्वस्त हैं कि जो लगभग 60,000 परिवार ऐसे हैं जिनको हमको 2022 तक मकान देने हैं, उनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं। उस योजना में जैसे दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना ये हमने बनाई है, उसमें बहुत से लोगों ने लाइसेंस लिए हैं, इस योजना को और बढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त पहले से भी अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के माध्यम से जिन लोगों के फ्लैट्स हैं वो भी उसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं, ताकि इस योजना का लाभ कंज्यूमर को दे करके उनके उन फ्लैट्स को भी लोग लेने के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद। आने वाला नहीं है, आ गया है। समिट में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने भी विचार साझा किए, जिक्र किया प्रदेश का हर आदमी अपना घर चाहता है। हालांकि मंदी के कारण गुरुग्राम रियल एस्टेट पर कम प्रभाव पड़ने की बात कही। डेवलपर्स ने सरकार की रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कई घोषणाओं और योजनाओं की सराहना की, जबकि लाइसेंस की प्रक्रिया को ज्यादा सरल करने के लिए सिंगल विंडो का प्रावधान करने की मांग भी रखी। सिग्नेचर ग्लोबल के प्रतिनिधि ने 2022 तक हर किसी को घर देने के सपने को पूरा करने में सहभागिता निभाने की बात दोहराई। अभी तक सिग्नेचर ग्लोबल ने टोटली 10,300 यूनिट सेल की है अफोर्डेबल में, और आने वाले साल में तकरीबन 12,000 यूनिट का हमारा प्लान है कि हम इसको और करें। एक बड़े प्लान के साथ हम चल रहे हैं। अभी हमने सबसे पहले नवरात्रि में 10 तारीख को एक 1000 फ्लैट की डिलीवरी 16107 की दीजिए, और आने वाले 3 से 4 महीने में हम एक अपना सेक्टर 81 में साइनेरा के नाम से जो है वो, और 71 में एंडोर हेड के नाम से है वो, उसकी डिलीवरी देने जा रहे हैं। और हम ये सोचते हैं कि हर साल 3 से 4 डिलीवरी हम कस्टमर को दें। गुरुग्राम में आयोजित समिट में डेवलपर्स ने द्वारका एक्सप्रेसवे पर बुनियादी सुविधाओं में हो रही देरी के मुद्दे को भी उठाया। फिलहाल जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर में मौजूद चंद डेवलपर्स की वजह से लोगों का इन पर विश्वास खत्म हो रहा है, इसे वापस लाने के लिए सरकार को कदम उठाने होंगे, जबकि बिल्डर्स को भी सहयोग करना होगा। गुरुग्राम से राज वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।